हेलो फ्रेंड्स, केआरसी कृष्ण में मैं वेलकम करती हूँ दुर्गेश नंदी जोशी। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों से आपसे नहीं मिली, सोचा आज सबके साथ मिलके बात करना चाहती हूँ। अब दिवाली नजदीक है और सभी कुछ ना कुछ बनाते हैं, दिवाली पे पकवान वगैरह बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं। तो मैं आज मिठाई एक लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इजी है और अच्छी भी लगती है सबको, नारियल की बर्फी। तो चलिए देखते हैं नारियल की बर्फी कैसे बनती है और उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तो बनाते हैं नारियल की बर्फी। ये देखिए मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैं देसी घी ले रही हूँ एक चम्मच, ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि नारियल में अपना ऑयल भी होता है, वो भी निकलता है। एक चम्मच मैंने देसी घी ले लिया है। इसके अंदर मैं ये नारियल का बुरादा डाल देती हूँ और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे, ज्यादा नहीं करना है नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा ही करेंगे हम लोग, जिससे कि जब हल्की सी स्मेल आने लगे तब हम इसको बंद कर देंगे भूनना। तो इसको हल्का हल्का सा भून लेते हैं। इसको मीडियम आंच पे भूने, तेज आंच पे जल जाएगा। ये देखिए नारियल का बुरादा अच्छे से भून गया है, अच्छे से स्मेल आने लगी है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। फ्लेवर के लिए मैं छोटी इलायची थोड़ी सी कूट के डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा एक दो मिनट और इसको भी भून लेंगे आपस में चीनी को भी। अब इसमें मैं मिल्क में डाल रही हूँ दो चम्मच के करीब, ज्यादा नहीं डालेंगे। और दो बड़े चम्मच ही मैं इसमें मिल्क डाल रही हूँ। चीनी जो है वो मिल्क में अच्छे से घुल जाएगी। अब इसको हम चलाते रहेंगे थोड़ा। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे, घी छोड़ने लगे हमारी बर्फी, तब हम तब तक चलाते हैं। अब हम एक प्लेट लेके इसको रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा और घी लेके इसमें सारे में लगा देंगे, जिससे कि हमारी बर्फी अच्छे से निकल आए। ये देखिए ये गाढ़ी भी हो गई है, चीनी हमारी घुल चुकी है। और ये कढ़ाई भी छोड़ने लगी, इसका मतलब हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है। हम गैस को बंद कर देते हैं।
ये देखिए अब हम जो प्लेट रेडी करी थी हम उसमें इसको शिफ्ट कर देते हैं। चम्मच की सहायता से स्मूथ कर देते हैं। देखिए इसको स्मूथ कर लिया है और इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और ये हमारी बर्फी बनके रेडी है। चाहे तो आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, पर आजकल वो नकली आते हैं, ज्यादा अच्छे आते नहीं, तो इसलिए मैं नहीं लगा रही। अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो आप लगा सकते हैं। मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए, इसको हल्का सा अंदर को टैप कर दें। चाहे तो आप बेलन से भी इसको थोड़ा सा दबा सकते हैं इस तरीके से, जिससे कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो इसको कम से कम 1-1.5 घंटे तक हम जमने के लिए रख देते हैं और उसके बाद फिर हम इसको कट कर लेंगे। तभी हम इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए। ये देखिए हमारे को 1 घंटा हो चुका, हमारी बर्फी अच्छे से जम चुकी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये आप चाहे तो किसी व्रत में भी बना के खा सकते हैं, और दिवाली पे तो बना ही सकते हैं। हमारी बर्फी बनके रेडी है। खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। और लाइक और शेयर करना ना भूले, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले। ये देखिए इस तरीके से हमारी बर्फी बनके रेडी है। देखा आपने कितनी इजी है बर्फी बनाना, और शुद्ध भी है और घर में अच्छे से सफाई से बनती है। तो आप इस तरीके से बर्फी बनाइए, खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए, और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। और इतनी यम्मी यम्मी बनी है कि मेरे तो रुक ही नहीं पा रही हूँ। तो मेरा दिल कर रहा था बनाते बनाते ही खा लूं, तो ये देखिए मैं खा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी है, यम्मी, बहुत टेस्टी। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। फिर एक और मिठाई लेके आती हूँ मैं।